नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अभी जूनियर असिस्टेंट के 1200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और अभी बात करें तो ये जो वैकेंसी थी ये 4500 4000 की संख्या में सुनाई पड़ रही थी, बट कहीं ना कहीं अधीनस्थ में पहले ही शब्द में ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि अब आपकी वैकेंसी आई है तो मेरा जो कर्तव्य है कि आपको इसके बारे में डिटेल्स देना, बट फिर भी एक बात तो है कि अधीनस्थ जो भी है वो बच्चों को सीधा शिकार बना रहा है, वो गलत कर रहा है। भाई एक ही बच्चा वही लेखपाल में बैठ रहा है, वही जूनियर असिस्टेंट में बैठ रहा है, वही आपका फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट जो बंदरगाह है इसमें बैठेगा, तो लगभग देखा जाए तो एक ही बच्चा हर एग्जाम बैठा। जब आपके पास वैकेंसी है तो बल्क में क्यों नहीं निकाल लो। हालांकि पहले इस चीज को देखते हैं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 21 तारीख से इसका फॉर्म जो है आवेदन होना शुरू होना है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है ये 14-12 है, नवंबर में आना है। 21 नवंबर, आप समझ रहे हो कि ये नवंबर की परीक्षा को अभी से ही ये क्या करा रहा है, मतलब फॉर्म अभी फिलना चालू नहीं हुआ है, बट विज्ञप्ति आज ही देना चाह रहा है एक माहौल केवल बनाने के लिए, जो उसकी तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयोग के ऊपर शासन का प्रेशर है। दैट्स इट। तो 21 नवंबर से है, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अभी आपका 10, 20, 30 एक महीने बाद आपका, आज भी 21 तारीख है, एक महीना पहले ही आपको दे दिया गया है, बट आप जाने रहो कि आपका 21 नवंबर से आपका क्या भरा जाएगा, भरा जाएगा फॉर्म, और 14 उसकी लास्ट डेट है, 21 उसकी क्या है शुल्क समायोजन के अंतिम तिथि है। विशेष हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें कथन उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14-12-2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क, ये सब फालतू की बातें हैं। 1262 टोटल पदे हैं, एलिजिबिलिटी जो है। अच्छा, ये बात और थी कि जब इन्होंने शुरुआत में बच्चों बोला था कि पीईटी की परीक्षा आयोजित हो जाएगी, तो ऐसे कोई पद जो केवल टाइपिंग वाले होंगे उनमें से दोबारा लिखित परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, उनका केवल क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन नहीं, इनको ₹25 का फॉर्म पहले लेना है, उसके बाद फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनसे भी पैसा लेना है। अल्टीमेटली वो अपना राजकोषीय जो वो है भर रहे हैं आराम से। और अभी अभी आपने खबर भी सुना था कि पीईटी की परीक्षा के दरमियान रोडवेज को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, तो ये तमाम चीजें सरकार की मनगढ़ंत थी। हालांकि हम क्या ही कर सकते हैं, इस भी क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, ये ध्यान देना, रिटन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। और इसका जो पैटर्न है वो पिछली बार जैसा ही है, पैटर्न जो है वो पिछली बार ही जैसा है। 65 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 30 नंबर का आपका एकेडमिक होगा, और 5 नंबर का जो स्पोर्ट कोटा लगता है उससे स्पोर्ट्स के जो होंगे उससे नंबर मिलेगा। टोटल ऐसे करके 100 नंबर का ये बनाया जाएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ये इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। और 15 गुना क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के 2 ही अंक तक बुलाए जाएंगे, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन 5 या 7 अंक तक था, तो इसका मतलब ये होगा लेखपाल की तरह इसमें फिर से 25 से 30 गुना होंगे। तो 1200 पद है, तो करीबन 36,000 से लेके 40,000 बच्चे, लगभग मिनिमम 35 से 40,000 बच्चे इसमें क्या होंगे, इस परीक्षा में बैठेंगे। इस परीक्षा में आवेदन करने वालों की संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन 35 से 36,000 बच्चे क्या होंगे, बुलाए जाएंगे। फॉर्म कितना पड़ता है, मेरा जो अनुमान है 70-80 हजार फॉर्म पड़ेगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कि क्या कट ऑफ हो सकती है, वो भी मैं आपको इतना बता दूं, तो केवल 1200 पद हैं, अगर कोई भी बच्चा जो पीईटी 2021 के आधार पे 70-72 नंबर पा रहा होगा इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे तो जाना असंभव है। अगर 4045 अगर वैकेंसी होती तो ये अनुमान लगाया जा सकता था। हाँ, लेखपाल जैसा थोड़ा सा समीकरण बन सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग वाले हैं, लेखपाल में तो सभी लोग एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे केवल टाइपिंग वाले ही एलिजिबल होते हैं, इस कारण से जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है या फिर जिनकी टाइपिंग आती है वही भरते, इस कारण से थोड़ा सा नीचे आता। लेखपाल में 62 था तो वो भी इर्द गिर्द ही इसे हम मान सकते थे, लेकिन अब क्योंकि 1200 ही पद है, बाकी इन्होंने क्या किया है, बाकी पद इन्होंने बोला है कि 2022 के पीईटी से करवाएगी, क्योंकि उधर भी तो कुछ वैकेंसीज देनी थी और करीबन 2500 से 3000 पद उधर देंगे, बाकी 1200 पद इधर दे दिए हैं। हालांकि इस बार केवल 2 विभागों से दिया गया है, एक चिकित्सा विभाग से दिया गया है और एक आपका, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारी जानकारी इससे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 25-25 का फॉर्म भराया जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ पे देखो तो ये एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से है और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से है। इनमें टोटल कितने पद हैं देखा जाए तो अनारक्षित के ये टोटल अगर देखा जाए तो 1148 इधर हैं और 114 पद इधर हैं, टोटल 1262 पद यहाँ पे दिया गया है। एक वैकेंसी और भी आनी है 22-24 पद, वो भी आपको जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये इसका
जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण है वो श्रेणी में दिया गया है। बाकी हम लोग देख लेते हैं लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो आरक्षण वगैरह बाकी सब कुछ वही है। लिखित परीक्षा में इसने बोला है कि 11 मई 2015 के आधार पर जो था वही सब कुछ कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या हिंदी में 60 क्वेश्चन होगा, 30 अंक का होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का इस पे पूछा जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 क्वेश्चन का होगा, 15 नंबर का होगा। रीजनिंग की बात करें और सामान्य जानकारी 40 क्वेश्चन होगा और इधर 20 नंबर का होगा, मतलब ये एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है और उसमें भी उनफोर्थ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 1 घंटा 30 मिनट का, 1.5 मिनट का पेपर होगा, 25%, मतलब कि 1/4 इसका नेगेटिव का भी है। तो बच्चा आधा नंबर पाएगा, उसके बाद भी उसका 1/4 कट जाएगा कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ी बात तो थकाऊ इसका पैटर्न है ही है, बट एक बात समझना, आपकी जो तैयारी है बच्चों वो थोड़ा सा भले ही आप कैसी है बट आप वास्तविकता से भाग नहीं सकते, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, 1262 पद के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो बच्चे एलिजिबल है मैं उनसे बोलूंगा कि जब से पीटी आया है यकीनन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो जो बच्चे बैठ इस बार एलिजिबल हो रहे हो, जिनके मार्क्स अच्छे हैं 70-72 से ऊपर हैं और उन्हें टाइपिंग भी आती है, वो अभी से जुट जाओ वरना शायद ये मौका दोबारा ना आए। और अब तो चीजें कठिन होती चली ही जा रही हैं। एक बात समझना कि इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हिंदी का है, तो इस कारण से जैसे पिछली बार भी टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतर 800 प्रश्नों की श्रृंखला कराई थी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे, इस बार हम प्रश्नों के स्तर को और भी अच्छा करते हुए और उनके प्रश्नों की संख्या को भी और बढ़ाते हुए करीबन 1500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला आज से ही शाम को 9 बजे से, रात के 9 बजे से आपके लिए स्पेशल क्लास चलवा देंगे इसके लिए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो आज से ही थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये हिंदी स्पेशल आज से चलवा देंगे, बाकी रीजनिंग की और जीएस की आपकी क्लास 10 बजे चलती है, वो आप वहां पर अटेंड कर सकते हो। बाकी इसके बारे में जो भी हमसे हो सकता है वो आपके लिए हम कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको ये सारी सुविधाएं मिलती रहे। बाकी यहाँ पे देखो तो इसमें जो दिया है कि एकेडमिक कैसे जुड़ेगा, इंटरमीडिएट में अगर 60% से ऊपर है मतलब फर्स्ट डिवीजन है तो 20 अंक, अगर सेकंड डिवीजन है मतलब 45 है तो 15 अंक, और अगर 33% के ऊपर और 45 से नीचे मतलब थर्ड डिवीजन है तो 10 अंक केवल मिलेगा, और अगर स्नातक किए हो तो 60% से ऊपर जो स्नातक वाले उनको 10 अंक, 45 से 60 के बीच वाले को 8 अंक और 33 से और 45 के बीच वालों को 5 अंक मिलेगा। 5 अंक अभ्यर्थी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 5 अंक मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर का है तो 4 अंक मिलेगा। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पेपर देने आता नहीं है, ये 5 नंबर शायद किसी को नहीं मिलता है। हाँ कई बच्चे क्या होते हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं लेकिन वो भी शायद इक्का दुक्का होते हैं, इनमें दो में थोड़ा बहुत ज्यादा बच्चे मिलने लगते हैं, वो भी विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर वाले ज्यादा पाए जाते हैं, बाकी ये 5, 4, 3 नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली 2 अंक यहां से मिलेगा एक्स्ट्रा, ज्यादा और सभी को नहीं मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है। ये पेपर जो बोलता है 100 नंबर का, ये 100 नंबर का होता नहीं है, कायदे से कुल 95-96 नंबर का पेपर होता है, उसी में आपको लाना होता है। और अभी अभी 500 पदों पर जूनियर असिस्टेंट 2016 की वैकेंसी हुई है, उसमें देखा जाए तो 79 नंबर 80 नंबर कट ऑफ है, तो 95 में 80 नंबर कट ऑफ, आप समझ सकते हो कि कॉम्पिटिशन किस लेवल का होता है। और अगर इससे उम्मीद लगाया जाए कि रिटर्न के बाद में टाइपिंग में कितने प्रतिशत कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो जूनियर असिस्टेंट 2016 में 4 से 5 गुना बुलाए गए थे, इसमें हो सकता है 5 से 6 गुना हो या हो सकता है फिर से 4 से 5 गुना ही बुलाए जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा 12 चौक 48 5,000 से 8,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, जो मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 8,000। अब वो हर बार बदल देता है आयोग, इस बार क्या करता है उसके बारे में ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हो, सब कुछ आयोग ही जानता है। फिर भी 5,000 बच्चे बुलाए जाएंगे और वो 5,000 जो टॉप के बच्चे होंगे मान के चलो वो कट ऑफ को 81-82 ऐसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल भी बहुत ज्यादा टफ होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और इसका हथियार हिंदी है, हिंदी ही हथियार है, जीएस में नंबर कोई नहीं उठा पाता, बाकी जिनके एकेडमिक अच्छे हैं उनको थोड़ा लाभ मिलता है, एकेडमिक अच्छे वालों को लाभ मिलता है, और जैसे जैसे अब नए बच्चे आते जा रहे हैं उनके एकेडमिक अच्छे हो रहे हैं, खासकर मुलायम सिंह जमाने से अखिलेश की जमाने से क्या हो रहे हैं कि बच्चों के एकेडमिक अच्छे हो रहे हैं, तो वो वहां पे बूस्ट कर रहे हैं, बाकी इनमें किसी का नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको फोकस केवल करना है 65 पे, ये इसमें किसी को दिमाग नहीं लगाना है जिसका है और जिसका नहीं है। मैं इतना बोलूंगा कि इनमें जिन बच्चों का 30 नंबर में से 20-22 नंबर बन रहा है वो तो एकदम सेफ स्कोर में हो, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर होते हैं, 12th में तो भी मिल जाता है लेकिन बाकी सब में कम होता है, 5-1% 60% से एक नीचे है तुरंत 5 नंबर कटता है, ऐसे इसमें भी एक नीचे है तुरंत ही 5 नंबर कटता है, ये थोड़ा सा चिंताजनक होता है, इस कारण से 10 नंबर सीधा गायब हो जाता है। तो 30 में 22-23 नंबर वाले ज्यादा मिलते हैं, 25-26 वाले रेयरली मिलते हैं, इस बात को समझना। तो अगर आपके 20-22 नंबर आप सेफ जोन में लगे ना, 15-16 है, तो आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, इस बात को समझते हुए
पहले से चलना। बाकी सारी तैयारी आपको, सारा जो मार्गदर्शन है, सारी चीजें हैं वो आपको टीम के द्वारा मिलती रहेंगी। चैनल से अगर आप जुड़े हो तो समय समय पे इसकी तैयारी, बहुत विधिवत तैयारी, जो टीम का एक अनुभव है, लगातार 2-3 वैकेंसीज को इसमें कंडक्ट करा चुकी है, सैकड़ों बच्चे इसमें क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो पूरा ही अनुभव उन बच्चों के साथ, आपका टीचर्स के साथ, सब कुछ आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कराई जाएगी। तो बच्चे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें वही हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग में इसमें इंस्क्रिप्ट पूछता है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जिनको टाइपिंग नहीं आती है, अभी आपका ये दिसंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा, और इसकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल से पहले किसी कीमत पे नहीं होगी बच्चों 2023 में। तो 4-6 महीने, और 6 महीने में टाइपिंग सीखी जा सकती है। जो बच्चों का मार्क्स अच्छा है और जिनको टाइपिंग नहीं आती है, मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप टाइपिंग भी अभी से ही सीखना शुरू कर दो। चलिए, बाकी जानकारी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी का।